कल पूरे देश ने स्वतंत्रता दिवस का 75वां वर्षगांठ मनाया है। साथ ही तमाम सरकारी कार्यालय में अधिकारियों और नेताओं ने भी ध्वजारोहण करके तिरंगे को सलामी दी है। इसी क्रम में औरैया के जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने डीएम कार्यालय में झंडा फहराया, लेकिन उन्होंने गलती से उल्टा झंडा फहरा दिया और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि औरैया के डीएम सुनील कुमार वर्मा ने गलती से उल्टा झंडा फहरा दिया और इस झंडे में केसरिया रंग नीचे है जबकि हरा रंग आसमान की तरफ है और ध्वजारोहण के समय ना तो डीएम और ना ही किसी अन्य ने इस पर ध्यान दिया। वहीं इस दौरान एक शख्स लगातार फूल बरसाते हुए दिख रहा है, जबकि राष्ट्रगान के समय हर देशवासी को सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना होता है। बहरहाल उल्टे तस्वीर ध्वजारोहण का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं औरैया के जिलाधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि हम ध्वजारोहण का अभ्यास कर रहे थे और उस समय भूलवश तिरंगा उल्टा लग गया था और यह करीब 7:45 की घटना है, जबकि बाद में ध्वज को सीधा करके 8:00 आधिकारिक रूप से ध्वजारोहण किया गया, लेकिन स्थानीय मीडिया में शुरुआत में हुई भूल की फोटो और वीडियो निकालकर उसे जानबूझकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।